नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को एक ऐसी खबर से रूबरू करवाऊंगा कि बूथ कैप्चरिंग करने वाले व्यक्तियों पर अब बड़ी कार्यवाही होगी और चलेगा जेसीबी। जी सही सुन रहे हैं आप, जहां आप लोगों को पूरी खबर से अवगत करा दूं, आप लोगों को पता ही है कि 25 तारीख को वोटिंग हुई कुछ क्षेत्रों में त्रिस्तरीय चुनाव पर पहला चरण जो ये चुनाव हुआ है, जहां पर पोलिंग पर कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग कर ली गई, यही नहीं बल्कि गुंडागर्दी भी किया गया और जिसके चलते रद्द कर दिया गया और 27 तारीख को फिर से वोटिंग हुई। ऐसे कुल मिला के कई बूथ कैप्चरिंग किए गए जिसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन जारी किया गया या फिर लड़ाई झगड़े किए गए या फिर कैप्चर के दौरान मारपीट हुई या कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कहीं ना कहीं पुलिस से भी झगड़ा किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के देखा यह गया कि अब सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जो भी इस तरीके के कदम अगर उठाता है उस पर बड़ी कार्यवाही कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जो कि कड़ी कार्यवाही करते हुए जो भी बूथ कैप्चरिंग करेगा उससे उसका पैसा भी लिया जाएगा, जो कि दोबारा से चुनाव की मांग करेगा अगर इस तरीके से कोई भी बेमतलब अगर कार्य किए जाते हैं तो। पूरी खबर क्या है आप लोगों को अपडेट करवाता हूं। बता दूं कि एमपी पंचायत चुनाव, एमपी पंचायत इलेक्शन के पहले चरण में कई जगहों पर विवाद भी खबरें जो है लगातार सामने आ रही थी, जहां बूथ कैप्चरिंग हुई और ऐसे जगहों पर रिपोलिंग भी करानी पड़ी, यानी दोबारा से वोटिंग हुई, जो कि 25 तारीख को चुनाव था और 27 तारीख को फिर से चुनाव कराया गया। बता दें कि भिंड जिले में बूथ कैप्चरिंग करने वालों को प्रशासन का सख्त नोटिस भेज दिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि पुनर्मतदान पर हुए खर्च की तत्काल राशि जमा हो या बुलडोजर चलवाने की कार्यवाही होगी। यानी कि 25 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के भिंड में लहार जनपद पंचायत, जहां की रौन के मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चर की घटना सामने आई हुई थी, इसमें लेकर के ये रखा गया कि जितना भी खर्च बूथ कैप्चरिंग या बात कर रहा हूं कि फिर जहां पर दोबारा से रिपोलिंग बनाया गया और वोट फिर से मतदान कराया गया, उसका टोटल खर्च जो भी आया है, जो भी बूथ कैप्चरिंग करेगा उसका खर्च देगा। बूथ कैप्चरिंग के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 जून को हुआ मतदान रद्द करा दिया था और उसके बाद 27 जून को पुनर्मतदान कराया गया था, जहां की जिस पर कुल लगभग मिलाकर के 5,20,000 रुपए खर्च हुए थे। पुनर्मतदान होने के बाद पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग करने वालों की पहचान की और उन्हें नामजद नोटिस देकर तत्काल खर्च राशि जमा करने की बात कही है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें से धर्मेंद्र सिंह, राम प्रताप, सौरभ, अजय सिंह को नोटिस भेजा गया है। इन सभी के मतदान के दौरान मतदान दल के मतपत्र छीन कर सील लगाई और मतपेटी में डाले थे, यानी कि जबरदस्ती किया गया था। इस जबरदस्ती के दौरान कई महिलाओं और पुरुषों का बयान भी देखने को मिला था कि उनके द्वारा ये कहना था कि अगर हम अंदर गए हैं तो वहां पर मेरे द्वारा जो मैं वोट डाल रही हूं या डाल रहा हूं तो सील अपने द्वारा मारी जा रही है और फिर अपने से ही पेटी में, मतदान पेटी में डाला जा रहा है। भिंड के अलावा भी कई जिलों में इस तरह की खबरें सामने आई थी, उनमें से सीधी जिला भी है जहां पर दो रिपोलिंग की गई थी, वो भी आप लोगों को बता दूं कि सिहावल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर दो बूथ में फिर से वोटिंग हुई थी। वही आप लोगों को बता दूं कि ऐसे में प्रशासन ने वहां भी हर जगह की कार्यवाही करते हुए सरकार के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, नोटिस जारी किया गया कि 25 जून पर जहां जहां मतदान प्रभावित हुआ था, जिसके चलते इन सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान हुआ था, 27 जून को प्रदेश के 10 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया गया था, उसका जितना भी खर्च आया है, जिसके द्वारा मतदान रुकवाया गया था या जिसके द्वारा जो है तो प्रभावित हुआ था, उनको नाम चिन्हित किया जाएगा, उनके घर पर नोटिस भेजी जाएगी और अगर इस तरीके से पैसे वो जमा नहीं करते हैं तो सरकार का ऐलान फिर से सामने आया कि अब जो है बहुत जल्द बिल्डोजर चला दिया जाएगा। तो क्या सही है ये बातें और क्या गलत है, कमेंट जरूर करिएगा। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज पर, फिर से आपसे अपडेट होऊंगा, रूबरू होऊंगा एक अलग खबर से, एक बड़ी खबर से। तब तक के लिए विदा चाहूंगा, नमस्कार, जय।